एडम पियर्स ने काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया है डॉमडम को लेकर। ये कहा गया है कि डॉमडम स्टील केज में बंद होने वाले बैड ब्लड में और डॉमडम एकदम भी हेल्प नहीं कर पाएंगे बैड ब्लड में ली मॉर्गन का। तो गाइस एग्जैक्टली स्टार्टिंग से क्या कुछ हुआ चलो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें बैकस्टेज दिखता है कि ली मॉर्गन और डॉमडम एकदम स्वैग तरीके से लॉ राइडर से आते हुए दिखते हैं और दोनों को देख कर लिटरली ऐसा ही लग रहा था कि दोनों एकदम परफेक्ट कपल है। जैसे ही रिंग की तरफ आगे बढ़े थे ली मॉर्गन और डॉमडम वो आते ही उनको दिखता है कि ब्रॉन शॉमिन और ब्रोशन बैकस्टेज फाइट करते हुए दिखाई दिए। उनका फाइट इतना डेंजरस हो गया था कि ऑफिशियल ने भी आके उन्हें रोका था। तो फाइनली ये दोनों रिंग में एंट्री कर लेते हैं और रिंग में एंट्री करते हैं तो डॉमडम एकदम प्यार से ली मॉर्गन को उठा के रिंग की तरफ लेके जाते हैं। ऐसा देख कर लग रहा था कि डॉमडम एकदम प्रिंसेस जैसा ट्रीट कर रहे हैं अभी फिलहाल ली मॉर्गन को। यार ये लोग जब भी एंट्री करते हैं तो इनका स्वैग देखने लायक लगता है, दोनों ही लिटरली काफी अच्छे लगते हैं एक साथ। तो फाइनली इनका प्यार भरा सीन खत्म हो जाता है। उसके बाद ली मॉर्गन रिंग में आ जाती है और वो आते ही रिया रिप्ली को टारगेट करने लगती है और बोलती है कि मैंने रिया रिप्ली से सब कुछ छीन लिया है, डॉमडम भी छीन लिया है, जजमेंट डे भी छीन लिया है। इतना कुछ ली मॉर्गन बोली रही होती है मामी के बारे में तभी मामी वहाँ पे एंट्री कर लेती है और जैसे ही एंट्री करती है फेस देखने लायक था, दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। उसके बाद तो ली मॉर्गन टीज भी करती है रिया रिप्ली को और ली मॉर्गन डायरेक्टली बोलती है आज तेरे पास डॉमडम रहता अगर तुम उनको अच्छे से ट्रीट करती तो जैसे तुम डायमंड पीस को ट्रीट करती हो। और गाइस आपको पता ही है ना जब दोनों एक दूसरे के सामने होती है दोनों का गुस्सा देखने लायक होता है। यहाँ ली मॉर्गन एकदम गुस्से से लाल होकर देख रही थी, उधर रिया रिप्ली भी जो मन तो बके ही जा रही थी। उसके बाद फाइनली रिया रिप्ली एक काफी शॉकिंग न्यूज देती है डॉमडम को जिससे डॉमडम बेचारा तो पूरा शॉक हो जाता है। रिया रिप्ली जब आई थी तो बोली थी कि पता है एडम पियर्स ने क्या बोला है, एडम पियर्स ने ये बोला है कि डॉमडम मिश्रियो बैड ब्लड में एक स्टील केज में हैंग होने वाला है। तो गाइस समझ सकते हो आप डॉमडम को ऊपर हैंग कर दिया जाएगा, मुझे लग रहा है कि बेचारा डॉमडम के साथ हर टाइम बुरा ही होता है। और जैसे ऐसे बोलती है ना रिया रिप्ली उसके बाद ही वो अटैक कर देती है ली मॉर्गन के ऊपर। जब स्टार्टिंग में रिया रिप्ली आई थी ना तो वो बोली थी कि मैं बिल्कुल भी अटैक नहीं करूंगी ना ही कुछ करूंगी, बट फिर भी वो अटैक कर देती है ली मॉर्गन के ऊपर। तो गाइस आपको याद है हम लोग एक मीम्स भी देखते थे ना जिसमें लगता था कि डॉमडम बंद रहने वाला है और इन दोनों के बीच लड़ाई होगा। देखो ना जो जो मीम्स बनाते हैं उनको भी रियलिटी में बदल दिए ट्रिपल एच। फाइनली ट्रिपल एच ने ये काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया है और तो और ली मॉर्गन लास्ट में एक काफी चालाकी वाला स्टेटमेंट देती है और बोलती है कि मैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, भले ही मेरे सामने कोई भी आ जाए बट मैं चैंपियनशिप रिटेन कर लूंगी क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ रिया रिप्ली से। तो गाइस ऐसा समझो ना डॉमडम इस मैच में इंटरफेयर नहीं करने वाला है बल्कि कोई और आएगा और इंटरफेयर करेगा। बट गाइस जो भी अनाउंसमेंट हुआ काफी अच्छा है बट मुझे डॉमडम के लिए काफी बुरा लग रहा है कि उन्हें फोर्स करके बंद किया जाएगा उस स्टील केज में। ऐसा लग रहा है कि डॉमडम को टांग दिया जाएगा 15 मिनट के लिए। वैसे गाइस आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके, जो कुछ भी अनाउंस हुआ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।